एवरीबडी, आपने अक्सर गाने सुने होंगे, बड़े रोमांटिक किस्म के वो गाने होते हैं और उसमें जो आशिक होता है वो अपनी माशूका को कह रहा होता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है। तो ये हिप्नोसिस क्या होता है? अब हिप्नोसिस जो है ये नफ्सियात या न्यूरोसाइंस और थेरेपी का मिला जुला एक शोबा है। हिप्नोसिस जहनी हालत में तब्दीली का अमल है, जैसे दिमाग जो है वो नए आइडियाज और नुक्ता नज़र के लिए ज़्यादा वसी हो जाता है। ये ज़ाती तब्दीली के लिए एक ताकतवर तरीका भी है और फिर लोगों की दिलचस्पी का मौजू भी है। अक्सर फिल्म में भी दिखाए गए ड्रामाई मनाजर के बरक्स अगर देखा जाए तो जदीद हिप्नोसिस एक इस तरह की अमल है जिसमें मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तर्ज को इस्तेमाल करते हुए अपने मखसूस मकासद को हासिल किया जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है रही आप। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईज़ हुसैन साहब। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं और उनसे जिस तरह निमरा के बहुत सारे सवाल आते हैं, उन्होंने इंट्रो भी हमारा सुन लिया होगा। सर, हिप्नोसिस के हवाले से हमें बताइएगा ये होता क्या है और क्या इसको हम मुफीद अंदाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हिप्नोसिस की दो इकसाम है। एक होता है हिट्रियो हिप्नोसिस, यानी आप किसी को हिप्नोटाइज करें, और दूसरा होता है सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को हिप्नोटाइज करें। 1940 में ये लीगल हुआ मेडिकल प्रोफेशन में और 1950 में ये साइकाइट्री ने इसको एक्सेप्ट किया कि बहुत मुफीद तरीका है। बहुत सारे नफ्सियाती बीमारियां या इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो, उसके लिए सबसे फास्ट तरीका है। हार्वर्ड की एक स्टडी है कि अगर CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं उसके 400 सेशन लिए जाएं हफ्ते में एक सेशन, तो उन्हें सिर्फ के 10 सेशन में वही नतीजे मिलते हैं जो CBT के 400 सेशन में मिलते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हिप्नोसिस सीखना और उसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि CBT तो आप पढ़ सकते हैं किताबों से, 4 साल के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, आपने थ्योरी पढ़ ली। हिप्नोसिस सारा प्रैक्टिकल होता है और उसमें हिप्नोटाइज करने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस, उसकी आवाज कैसी है, उसका लबो लहजा कैसा है, उसकी टोन कैसी है, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो ये लीगल है। अब इसकी इस वक्त जो यूज है वो बड़े कमाल की है। फॉर एग्जाम्पल पेड्रियाटिक हिप्नोसिस, बच्चों को हिप्नोटाइज करना, 5 साल 6 साल जो रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, या बच्चे जो इम्तिहान का खौफ होता है, एंग्जाइटी होती है, या बच्चों के प्रॉब्लम। फिर वेट लॉस हिप्नोसिस इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। आपको पता है वेट लॉस में एक सर्जरी का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके स्टमक को आधा काट दिया जाता है, बायोटिक सर्जरी कहते हैं। उसके बाद आप खाना कम खाते हैं, आपका वेट कम होता है, मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप चाहे कि वापस आपका मैदा जुड़ जाए तो वो जुड़ नहीं सकता। तो हिप्नोसिस में इस वक्त हार्ले स्ट्रीट लंदन में कुछ हिप्नोटिक बायोटिक सर्जरी कर रहे हैं, यानी आपको ट्रांस में ले जाकर आपको ये यकीन दिला गया कि आपका आधा स्टमक कट चुका है, आप खाना कम खाएंगे, और अगर इसको रिवर्स करना चाहे तो वापस रिवर्स कर सकते। दिस इज जस्ट अ मेंटल कंडीशन कि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है जी। इसलिए कि सी दिस इज पावरफुल, आपका निजाम जो है, आपकी जिंदगी में जो कुछ आपके पास है, आपका अमल, आपकी फिक्र, आपकी सोच, आपके अकायद, उसका सारे का सारा ताल्लुक आपके तहते शऊर और लाशऊर से है। ये जो हिप्नोसिस है ये बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट कर सब कॉन्शियस में जाता है, वहां पे सजेशन को रखता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सजेशन काम करना शुरू करते हैं। तो इंसान की पूरी जिंदगी ना सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, कारकर्दगी, सलाहें सब चेंज हो जाती है। ये तो कभी नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है, मैं जहाज में सफर नहीं कर सकता। इस कॉन्शियस माइंड की इस चीज को बाईपास करते हैं और बाईपास करके सब कॉन्शियस में सजेशन डालते हैं, तो सब कॉन्शियस हमेशा कॉन्शियस को कंट्रोल करता है। तो जब वो कॉन्शियस को कंट्रोल करता है तो आपको वो फियर चला जाता है, वो फोबिया चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि इस हिप्नोटिज्म को, इसको गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। हमने देखा कि बहुत सारे केसेस आते हैं, फलाने हमें हिप्नोटाइज कर लिया, उसके बाद जो वो कह रहा था वो हम करते रहे, इस तरह की भी कोई सूरत हाल होती है या सिर्फ अजम्पशंस हैं? नहीं नहीं, ये ट्रू है। देखिये, हिप्नोसिस के अंदर से ब्रांच निकली 1970 में,
उसको कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये जो है ये इसको इनडायरेक्ट हिप्नोसिस कहते हैं, यानी आपने किसी की आंख नहीं बंद करा है। इसमें अगर आप चाहें तो डेरन ब्राउन की वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जी। वो खड़े खड़े लोगों से बात करता है और कागज देता है जिसकी साइज नोट की जैसी होती है, वो हीरे की अंगूठी खरीदता है और वो कागज के पीस देता है और उसे दुकानदार है उसको नजर ही नहीं आता कि ये नोट है कागज के पीस है। तो ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस की वजह से इसको गलत इस्तेमाल। डॉक्टर साहब ये हिप्नोसिस सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं भी दुकानदार को पैसे देना चाहती हूँ। अच्छा देखिए हिप्नोसिस सीखने के लिए कोर्सेज होते हैं, इसके बेसिक कोर्स होता है 3 या 4 दिन का होता है। उस कोर्स के बाद आपको बेसिक नो हाउ मिल जाता है कि बेसिक हिप्नोसिस क्या है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह उसकी आंखों में देखना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रैक्टिस घर पे करे, बच्चों पे करे, फ्रेंड्स पे करे, तो जितनी महारत हासिल होगी उतना आप हिप्नोसिस बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और एक ये और हिप्नोसिस तो वीडियो लिंक में भी हो सकता है, मतलब कोई किसी के साथ आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, इफेक्टिव आप प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं, इफेक्टिव नहीं होगा। मैं चाह रहा था अगर हो सकता है तो सर डॉक्टर साहब भी हिप्नोसिस वीडियो लिंक पे इतना इफेक्टिव नहीं होता, फिजिकली बैठना बड़ा जरूरी है, आई कॉन्टेक्ट इज इम्पोर्टेंट। और वो आई कॉन्टेक्ट प्लस बाज दफा हिप्नोसिस में एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग का मतलब है टच करते हैं, शोल्डर पे सर पे टच करते हैं और साथ सजेशन देते हैं, कान को टच करते हैं, तो वो टच नहीं हो सकता ऑनलाइन, तो इसलिए फिजिकली बहुत जरूरी है। और ये मेरे ख्याल में तो इसका जो एक्सटेंशन है एनएलपी, ये तो स्कूल कॉलेजेस में कर देना चाहिए, बच्चों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए ये बड़ा जबरदस्त टूल है। देखिए हम जिस माशरे में रहते हैं हमारे अतराफ में नेगेटिविटी बहुत है, घर में माँ बाप का झगड़ा है या वालिद सख्त है, स्कूल में टीचर सख्त है या स्कूल के अंदर पढ़ाई बहुत मुश्किल है, फिर हम देखते हैं कि हम तो रिक्शा में उतरते हैं और हमारा कुलीग जो है स्कूल का वो प्राडो में उतर रहा है। अब ये जो कंपेरिजन होना शुरू हुआ माइंड के अंदर, ये इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा करता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल भी ऐड कर लीजिएगा, क्या आप जानवरों को भी, मासूमाना सवाल है वैसे, हो सकता है आप इसको गलत भी समझे, क्या आप जानवरों को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं? नहीं, डोंट नीड टू। कहते हैं कि बिल्ली और कुत्तों पे होता है हिप्नोटाइज, नंबर वन। हिप्नोसिस में एक और चीज जो बहुत सालों पहले जब हिप्नोसिस का नाम नहीं था, हिप्नोसिस हिप्नोसिस वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है, वो आया हिप्नोस, इसका मतलब है स्लीप, तो ऐसा लगता है जिसको हिप्नोटाइज कर दिया वो सो गया। तो हिप्नोसिस से पहले एक आदमी था मेस्मर, उसकी वही हिप्नोसिस की टेक्निक थी, उसको मेस्मेरिज्म कहते हैं। तो मेस्मेरिज्म में आंखों का बहुत इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं कि बाज जानवरों को अगर आप आंखों के जरिए चाहें तो उसको भी आप काम डाउन कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, वो हमला नहीं करेगा आपके ऊपर। ठीक है, अच्छा दीगर क्या मकासद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं? हम दीगर अभी कुछ बीमारियों का बल्कि ना, हाँ पॉजिटिव बताइएगा प्लीज डॉक्टर साहब। हमारी आवाम नेगेटिव चीजें बड़ी जल्दी पकड़ती है वैसे भी। देखिए एजुकेशन में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, थेरेपी हर किस्म की बीमारी में, इवन अगर आप मिसाल के तौर पर, हमारे पास एक केस था जहाँ एक साहब थे जिनकी उम्र 70 ईयर्स थी, पहली दफा कैंसर डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट पे गए। अब आपको पता ना कैंसर की ट्रीटमेंट बाज दफा कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है, वो बहुत तकलीफ से गुजरे, 5 साल के बाद उनको रिलैप्स हुआ, वापस कैंसर हुआ। उस वक्त उनकी बेटी ने हमसे रब्ता किया, तो यहाँ पे एक साहब इस्लामाबाद से डेपुटेशन पे आए थे, हमने ये केस उनको दिया, तो उन्होंने हिप्नोसिस और रेकी का कॉम्बिनेशन का रोज सेशन दिया। जब उनकी थेरेपी कंप्लीट हुई और उसके बाद वो जब एक दफा हमारे पास आए, कई लोग थे उनके सामने खड़े होकर स्टेज पे, उन्होंने कहा कि पहले 5 साल बाद, पहले जब मुझे कैंसर हुआ था और मैं कीमोथेरेपी वगैरह जब कर रहा था, इतने साइड इफेक्ट थे कि मैं बता नहीं सकता, इस वक्त मैं अपनी लास्ट कीमो लेकर हॉस्पिटल से आया हूं, अपने पैरों पे चल रहा हूं, मुझे कोई साइड इफेक्ट। तो ये पेनलेस चाइल्ड बर्थ में बड़ा इस्तेमाल होता है, तो बड़ा आजकल मशहूर है कि खवातीन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर महीने हिप्नोसिस के सेशन ले, 9th मंथ में बच्चा ऐसा पैदा होगा उसे पता ही नहीं चला होगा कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इस पे बड़ा यूज हो रहा है पाकिस्तान से बाहर। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, मगर लोग समझ नहीं पा रहे कि ये चीज वाकई काम कर सकती है कि नहीं। और फिर बहुत सारी बीमारियों में ये मेडिसिन के साथ साथ आपको हेल्प करता है, तो मेडिसिन की आहिस्ता आहिस्ता आपको जो शायद ये फोबियाज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, या आपकी कोई ऐसी नापसंदीदा आदत उनको छोड़ने के लिए भी बड़ा कारामद है, हैबिट्स के लिए है, फोबिया के लिए, और पेनफुल मेमोरीज,
बहुत सारी पुरानी बिसरी यादें हैं जो जब आपको जहन आती है आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस उसको होता है आपको किसी रीफ्रेम चीज करने पे। का भी तरीका है उसका रीफ्रेम। और सबसे बड़ी अमेजिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताई हो, हिप्नोसिस वो वाहिद साइंस है कि जिसमें आप किसी शख्स की वो बात जो उसको याद नहीं हो, मतलब कोई बचपन में मार पड़ी वो याद नहीं हो, तो वो उसके जब हम तहते शऊर में जाते हैं वो बात उसको याद आ जाती है, वो शख्स ठीक हो जाता है। और अब जो नई चीजें जो आ रही है जिसका मैं डायरेक्टली इस पे बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर मैंने अपनी लाइफ में दो केसेस ऐसे किए मेरे सामने कि एक शख्स है जो इंग्लिश नहीं बोलता था और उसको पेट में दर्द रहता था, कोई डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर सका उसको दर्द क्यों रहता है, खाना बहुत कम खाता था, बहुत दुबला था, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, उसको हिप्नोटाइज किया हमने मालूम करने के लिए दर्द आया कहाँ से, तो पता चला वो 450 साल पीछे चला गया। उसने मुझसे इंग्लिश में बात करना शुरू की, उसका नाम उसने बताया जॉन है और वो अपने बाप के साथ किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, खच्चर था, खच्चर का पैर स्लिप हुआ, बाप खाई में गिर गया, खच्चर की दो टांगे इसके पेट पे लगी, इसका पेट फट गया और ओ बच्चा भी वहां मर गया, खच्चर भी मर गया। ये 450 साल पहले की बात वो बता रहे, इंग्लिश में बात कर रहे जो इंग्लिश नहीं जानता था। उस नौजवान को जब उसकी आंखें खुली उसके बाद उसको सारी जिंदगी कभी पेट में दर्द नहीं। अब ये क्या जेनेटिक मेमोरी थी उसके आबा अजदाद की? पॉसिबल है कि जेनेटिक मेमोरी जो होती है आपकी वो पेन भी आपको फॉरवर्ड करती है, स्किल्स भी फॉरवर्ड करती है, अकाइद भी फॉरवर्ड करती है। तो क्या ये पेन था आबा अजदाद में से किसी का जो चलता चलता इस बच्चे की जिंदगी में आया, जीन्स के जरिए ट्रांसफर हुआ, या कोई पिछला जन्म था? हम कुछ नहीं कह सकते, अच्छा मगर डॉक्टर ये साहब, मेरे सामने बात हुई। दैट्स वेरी अच्छा इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी है कि इस वक्त बहुत सारी खवातीन हमें देख रही होंगी, माएँ देख रही होंगी, तो क्या आप बच्चों को भी इस हिप्नोसिस के ज़रिए, जो बच्चा थोड़ा शरारती है, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, उसकी तरफ आप ला सकते हैं? आप अगर थोड़ी सी उसकी हिप्नोसिस के ज़रिए थेरेपी वगैरह करना चाहें तो हो सकती है? हमारे पास जी एक एक स्पेशलिस्ट बैठता है जो सिर्फ बच्चों पे काम करता है और बच्चों की पढ़ाई में दिल ना लगना, शरारत सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है माँ बाप को, वो है बच्चों का मोबाइल फोन का इस्तेमाल, स्क्रीन। हम बच्चों को हिप्नोटाइज करके इस चीज से कम स्क्रीन कर से दूर रख सकते हैं, सकते आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसी तरफ ला सकते हैं जहां वो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करें। ये सारी चीजें पॉसिबल है हिप्नोसिस के जरिए। सेशंस लगते हैं इसके, हर सेशन 40 से 45 मिनट का होता है। पहले एक दो सेशन में बच्चे के साथ एक रेपो बिल्डअप की जाती है, उसको हल्का सा ट्रांस में लिया जाता है। जो ट्रांस है वो बेसिकली वो कैफियत है जो हिप्नोसिस से पैदा की जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के तहते शऊर में जब आप चले जाते हैं तो जिस तरह आप बीज बोते हैं जमीन में, हम कुछ सजेशन इम्प्लांट करते हैं सबकॉन्शियस में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सजेशन काम करना शुरू करता है, तो वो उसके बिहेवियर, उसकी हैबिट को चेंज करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक के डिस्कशन से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने उसका ग्रीक मीनिंग भी समझाया था उससे, कि दैट जो भी हिप्नोसिस कर रहा होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्शियस को स्लीप करवाता है, वो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं सुला देता है, एंड देन वो सब कॉन्शियस में उसने ऑलरेडी जो मैसेज डिलीवर कराया होता है वो बस वो फिर काम कर रहा होता है, सबकॉन्शियस वाला मैसेज, राइट? जी जी बिल्कुल यही करते हैं। इसमें कुछ जब आप हिप्नोसिस सीखते हैं तो आपको कुछ एथिकल कंसिडरेशंस दिए जाते हैं कि जी आपने एथिकली काम करना, हिप्नोसिस पे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि दुनिया में बड़े केसेस हैं कि जहां हिप्नोटाइज करके एक मर्द ने औरत का नाजायज फायदा उठाया या एक औरत ने हिप्नोटाइज करके मर्द का नाजायज, तो उसके ऊपर एक कहा जाता है कि जब आप हिप्नोटाइज करते हैं खासकर किसी कोई मर्द को खातून को करता है तो एक टेप रिकॉर्डर होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, उस सेशन। टेप रिकॉर्डर को ऑन कर ले ताकि जो भी कन्वर्सेशन हुई हो वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो। बाद में कई दफा ये भी हुआ है कि बिला वजह एक खातून ने किसी मर्द के ऊपर सू कर दिया, केस कर दिया, कैसे हिप्नोसिस में मुझे फिजिकली अब्यूज किया जबकि उस शख्स ने नहीं किया था। तो ये सेफ गार्ड पेशेंट के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए भी एक टेप रिकॉर्डर रखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ये अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, कि अगर कोई सेशन लेता है, वो कितनी देर तक फिर उसी कंडीशन में रहता है? देखिए हिप्नोसिस की ट्रांस में नहीं रह सकता मुतवाते, कुछ देर के बाद या तो वो सो जाएगा या फिर खुद ब हाँ, खुद उठ जाएगा, नींद पूरी हो जाएगी, वो नींद में से उठ जाएगा, तो और फिर जब नींद नींद से वो उठेगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। बिल्कुल नॉर्मल होगा। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि हिप्नोसिस करते हुए आप ये भी सजेशन डाल दें कि जब तुम आंखें खोलोगे तुम्हें कुछ याद नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो आंखें खोलने के बाद उसको याद नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ।
ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, पूरे मुल्क में ही इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और वादी नारान में भी तबाही मच चुकी है, बहुत सारी वीडियोज हम पहले आपको दिखाते भी रहे, अभी भी हम बात करने लगे, बिल्कुल ऐसे है। वादी नारान की अगर बात की जाए तो तेज बारिशों से फंस जाने वाले सयाहों को रेस्क्यू करने वाले नौजवान अली सवाती, जिन्होंने हमेशा की तरह जान की परवाह ना करते हुए सयाहों की मदद की और गुज़श्ता गए रात तक इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा, इलाके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके हमरा सयाहों के वादी नारान से इनकलाब में मसरूफ रहे, एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव निमरा। बिल्कुल ऐसे ही है, इससे पहले भी जब कभी जरूरत पड़ती रही हमारे लोगों को इस तरह की किसी अंधोनाक वाक्य में, तो ये हमारे साथ इसी तरह से इन्होंने ये किया, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन भी करना था प्रोग्राम में, लेकिन क्योंकि वादी नारान में इस वक्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी बड़ी वीक है, इवन वो हमारे साथ कॉल पे भी नहीं आ सकते, वरना जरूर हमने इनसे पूछना था कि अभी क्या सूरत हाल है। बहरहाल जो रिपोर्ट उन्होंने रात तक हमें किया था वो हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये रात के ही कुछ क्लिप्स जो उन्होंने भेजे थे वही हमारे पास है कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों को जो कि स्टक थे वादी नारान, मांडरी पुल जो है हसनैन वो वहां पे डूब चुका है, तबाही तबाही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तबाही है, उसके अलावा सयाह जो है वो फंस चुके हैं। अभी इस वक्त यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बताने का मकसद ये है कि बारिशों का एक नया सिलसिला जारी है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी मकाम पर जाते हुए पहले सोचना चाहिए। और नारान खत्म, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।